एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। इट्स मी शोहिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। यस, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कैसे आप घर बैठे पील ऑफ बेस कोट बना सकते हैं अपने नेल्स के लिए, और इसे बनाना काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन एक चीज मैं आपको इससे पहले बता दूं, इसके फायदे ये होंगे कि आप कभी भी अपनी नेल पेंट को रिमूव कर सकते हो बिना किसी नेल रिमूवर के, किसी थिनर के या फिर किसी भी एसीटोन के। तो ये एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसका, और इसीलिए मैं आपके लिए ये DIY प्रोसेस लेके आई हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वीडियो आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को विजिट करो, और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके यहाँ पे आपको बेल आइकन दिखेगा, इसको भी प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको शेयर करना है तो आप इसे शेयर हर किसी के साथ कर सकते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोई भी हो। और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये गुलाब जल। इसको एक कॉटन पे इस तरीके से मैं ले लूंगी। इसको अब मैं अपने नेल के ऊपर इस तरीके से लेके रब करूंगी, या फिर आप डायरेक्ट उसके ऊपर डैप डैप कर सकते हैं सारे नेल्स के ऊपर। तो इससे जो मेरे नेल्स के ऊपर का जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा और ये अच्छे हेल्दी भी रहेंगे इससे। अभी ये जो मेरी नेल पॉलिश बॉटल है ये एम्प्टी है। इसको मैंने क्लीन किया था, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी कि आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं वो भी बिना किसी एसीटोन रिमूवर के। तो वो जो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप ये देख लेना वीडियो को, उसके बाद ही आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेना। अभी मैं ये एम्प्टी बॉटल के अंदर ये रोज़ वाटर को डालूंगी। तो ये मैं सिर्फ 30% लेने वाली हूँ और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पोर कर लूंगी। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लेने वाली हूँ मैं फेविकॉल। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव आप कोई भी स्कूल ग्लू ले सकते हो। अब ये फेविकॉल को मैं बाकी का 70%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% हमने रोज़ वाटर लिया है, तो बाकी 70% अब ये ग्लू इसके अंदर जाएगा और मैं इसको अच्छे तरीके से पोर कर लूँगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसको रिमूव करने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है और ये फटाफट से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 70% इसे पोर कर लिया है। तो अब डालते हैं इसके अंदर हम ब्रश और इसे कर लेना है अच्छे तरीके से आपको टाइट। अब इसको आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने का पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, रोल करना है अपने पाम पे। इस तरीके से आप शेक कर सकते हो। अब बॉटल को ओपन करके देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बबल्स हैं जो कि एयर की वजह से उसके अंदर हो गए हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी नेल पॉलिश को थोड़ी देर के लिए रख देना है वैसे ही, तो उसका जो एयर बबल होगा वो अपने आप निकल जाएंगे। अब बारी आती है इसे अप्लाई करने की। तो डायरेक्ट जैसे आप नेल पेंट लगाते हो, जैसे आप नेल पॉलिश के पहले बेस कोट लगाते हो, उसी तरीके से आप इसे लगा सकते हो डायरेक्ट अपने नेल्स के ऊपर। अगर कोई बबल है तो मेक श्योर वो बबल आप उसको हटा दो, क्योंकि अगर बबल रहेगा तो आप बाद में नेल पेंट लगाओगे तो वो भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो यहाँ सेकेंड वाले पे भी मैं लगा लेती हूँ अपनी मिडिल फिंगर पे। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं इसके डबल कोट करने वाली हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन दो का ही दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे नेल्स पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो डबल कोट भी हो गए हैं। अब मैं करूंगी वेट जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। जो टिप्स हैं उस पर अभी भी ये वेट है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरा ड्राई हो जाएगा। जो नेल पेंट आज मैं यूज करने वाली हूँ, फर्स्ट वाली जो है वो स्किन टोन से मेरे मैच करता है थोड़ा बहुत, और दूसरी जो है वो है गोल्डन कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बेस कोट है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब करते हैं अप्लाई नेल पॉलिश को। ये जो कलर है वो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल और पिंकी फिंगर पे रखने वाली हूँ, और इसके डबल कोट करने वाली हूँ मैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके नेल्स पे 2 से 3 दिनों तक टिक सकती है, क्योंकि आप नॉर्मल नेल पॉलिश भी लगाते हो तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक रहती है। और अब मैं लगा लूँगी गोल्ड नेल पॉलिश। नेल पेंट यहाँ पे डबल कोट हो गई है और अब मैं वेट करूंगी अच्छे से इनके ड्राई होने का। अब जब हम टेस्ट कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना किया जाए, इसीलिए अब मैं फाइनल जो लगाऊंगी वो है टॉप कोट अच्छे तरीके से अपने सारे नेल्स पे।
और यहाँ पे नेल पेंट बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक ट्विजर की हेल्प से इसको पील ऑफ करना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपके पास ट्विजर नहीं है तो आप ट्विजर की जगह एक टूथपिक का यूज कर सकते हैं। अगर टूथपिक भी नहीं है आपके पास तो ये इतना इजी है निकालना कि आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं उसको निकालने के लिए। निकालने की ट्रिक बहुत इजी है। क्यूटिकल एरिया से आप स्टार्ट करिए और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़िए। जब दो साइड अपने आप ओपन हो जाएंगे तो ये जो नेल पॉलिश हमने इसके ऊपर लगाई है और ये जो हमने बनाया है बेस कोट, ये भी अच्छी तरीके से आपकी नेल पॉलिश को, ये आप देख ही सकते हो, रिमूव कर देगा। पील ऑफ कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको करना है हैंड वॉश। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपने हाथों को हैंड वॉश कर लेना है। अब मैं अपने नेल्स को करूंगी मॉइस्चराइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्यूटिकल ऑयल लगा रही हूँ। इसका एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपको देखना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके देख सकते हो। वहाँ से इसको मॉइस्चराइज करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके नेल्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब हम इन्हें मॉइस्चराइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसीलिए मॉइस्चराइज करूँगी मैं इसे। आपको अपने नेल्स को अच्छे तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में करना है मसाज, क्योंकि मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऑयल लगा लिया और आपने सोचा हो गया काम, नहीं, मसाज करोगे तो ऑयल बहुत अच्छे तरीके से आपके क्यूटिकल एरिया में जाएगा और वो आपके नेल्स को, मैंने पहले भी बताया, स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्दी करेगा और अच्छे रखेगा। और आप देख सकते हो हमारे नेल्स फिर से वैसे ही हो गए। तो आप ये DIY बेस कोट को ज़रूर ट्राई करना आज।